नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके सामने जीके क्यूज ऑन 22 सितंबर 2020 इन हिंदी के डेली करंट प्रश्न लेकर के गाइज हाजिर हूं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न देखिए गाइज, भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की है। तो गाइज, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में जो दो महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की है, जिसमें पहली महिला है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और दूसरी है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इनकी यह तैनाती है जो फ्रंटलाइन वॉरशिप में महिलाओं की पहली तैनाती होगी। तो इसलिए गाइस, इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, दो महिलाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर टू देखिए गाइस, हाल ही में किसने COVID-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है। तो गाइज, हाल ही में ड्रंक रेगुलेटर ड्रंक्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में COVID-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है, जिसे काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। इस टेस्ट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फलूदा के नाम पर रखा गया है। तो गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, ड्रिंक रेगुलेटर ड्रिंक कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर थ्री देखिए गाइज, वर्चुअली हुए 72वें एमी अवार्डर्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्डर किसे दिया गया है। तो गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर फोर देखिए गाइज, SCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो गाइज, SCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म DWS को 845 करोड़ रुपए यानी 11.58 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डील से अब SCL टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड में डिजिटल सेवा को ऑफर कर सकेगी। इस समय SCL टेक के पास 1600 कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ, 845 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर फाइव देखिए गाइज, निम्न में से किस बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी मजदूरों जरूरतमंदों बेरोजगारों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलीफाई लॉन्च कर दिया है। तो गाइज, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूर जरूरतमंदों बेरोजगारों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलीफाई लॉन्च कर दिया है। इस ऐप से यूजर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ ही ऐप में जो 100 से ज्यादा और करोड़ों रुपए की वेरीफाइड स्कॉलरशिप है, जबकि पिछले हफ्ते ही सोनू अपनी मां सरोज के नाम पर गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की थी। तो गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर सिक्स देखिए गाइज, अमेरिका की एक अदालत ने चीन के किस ऐप पर बैन लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो गाइज, अमेरिका की एक अदालत ने चीन के वीचैट ऐप पर बैन लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वीचैट पर बैन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। यह बैन 20 सितंबर से लागू होना था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि वीचैट यूजर्स का डाटा चीनी सरकार को उपलब्ध कराती है। तो गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, वीचैट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न नंबर सेवन देखिए गाइज, इनमें से किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रोमोटिंग डेस्टिनेशन विद द ऑथेंटिकेटेड क्यूजन वेबिनार का आयोजन किया है। तो गाइज, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रोमोटिंग डेस्टिनेशन विद द ऑथेंटिकेटेड क्यूजन वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें भारत को विभिन्न व्यंजनों की भूमि के रूप में फेस किया गया है। ये वेबिनार में देश के तीन राज्यों
उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली के कुछ पारंपरिक व्यंजनों को प्रस्तुत किया गया है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 देखिए गाइज, 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गाइज 22 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड रोज डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिवस हर वर्ष कनाडा के एक 12 वर्षीय व्यक्ति की याद में मनाया जाता है जिसे कैंसर एक्सिन ट्यूमर का पता चला था। उसने अपने अंतिम समय में कैंसर के रोगियों के लिए कई कविताएं, पत्र और लेख लिखे थे। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, विश्व गुलाब दिवस है जो 22 सितंबर को विश्व भर में जो धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 देखिए गाइज, रो के पूर्व प्रमुख अनिल दसमाना को हाल ही में कितने वर्ष के लिए एनटीआरओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गाइज रो के पूर्व प्रमुख अनिल दसमाना को 2 वर्ष के लिए एनटीआरओ राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनटीआरओ तकनीकी संस्था पर भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। गाइज अनिल दसमाना है जो 1981 बैच के हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 देखिए गाइज, भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो गाइज भारत ने जो मालदीव को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। इस वित्तीय सहायता पर मोदी जी ने कहा है कि एक गहरे मित्र और पड़ोसी होने के नाते भारत और मालदीव कोविड-19 से पैदा हुई स्वास्थ्य और आर्थिक चिंताओं का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का सहयोग जारी रखेंगे। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, मालदीव। अगर गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना जिससे कि मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रह सको मेरे से कनेक्ट। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट प्रश्नों के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।